साथियों जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जो आर्मी का मेडिकल होता है या किसी भी डिफेंस का मेडिकल होता है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट देखा जाता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? फ्लैट फुट होता है। अब फ्लैट फुट होता क्या है वो देखिएगा। फ्लैट फुट क्या होता है कि आपकी जो ये वाली एड़ी दिखाई दे रही है, मतलब एड़ी से और इस अंगूठे के बीच जो ये एंगल दिखाई पड़ा, तो साथियों इसमें क्या होता है आपका, ठीक है, ये वाला जो आप कटिंग टाइप का देख रहे हैं ये होना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा ये कटिंग वाला, तब तक आपके फ्लैट फुट माना जाएगा। आपका ये पूरा समतल होता है, ठीक है। समतल होने से आपको पॉइंट मिल जाता है और ये पॉइंट बहुत ही खतरनाक होता है, इतने आसानी के तरीके से ये जाने वाला नहीं होता है। तो साथियों कुछ सावधानियां होती हैं जिनको आप बरतेंगे तो ये आपके कभी नहीं होगा, ठीक है। तो साथियों अब ये होता क्यों है, तो इसका जो मेन कारण होता है वो होता है कि आपकी गलत रनिंग। आप रोड पर रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप गलत तरीके से शूज पहने हैं, गलत तरीके का ट्रैक ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपके ये फ्लैट फुट वाली समस्या आ जाती है। आपको क्या किया जाता है कि आपको भिगोया हुआ एक कपड़ा रहता है उसमें आपको खड़ा होने के लिए कहा जाता है, जिससे कि आपका पैर पूरी तरीके से भीग जाता है। भीग जाने के बाद आपको चलाया जाता है। चलाने पर आपको क्या होता है कि आपको बनना चाहिए वो एंगल, वो आपने देखते हैं किसी हिसाब से, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट से बचना है क्योंकि आपका एक पॉइंट आपको आपकी ज़िंदगी के जो सबसे बड़ा आपका सपना है उससे बाहर कर सकता है। तो साथियों इसको आप दूर करने के लिए क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ दो एक्सरसाइज करनी है। दो एक्सरसाइज में क्या करना है, सिर्फ आप वही देख लीजिएगा आप के यदि फ्लैट फुट है तभी करिएगा, वरना न करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा साथियों, आपको इस एक्सरसाइज के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगा कि आपको इस तरीके से एक लकड़ी ले लेना है, ठीक है, या आपके पास कोई लोहा हो या लकड़ी हो, ठीक, इसको ले लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से एक ईंट ले लेना है। इसी दोनों के माध्यम से हम अपनी एक्सरसाइज को करेंगे, किस तरीके से वो देखिएगा। सबसे पहले आपको एक कोई भी ऑयल ले लेना है। ऑयल आपको लेने के बाद यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। ऑयल लेने के बाद आपको लगा लेना है, आप सरसों का ऑयल लीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे रखना है, इसके साथ ही आपको इस तरीके से पुश करना है इसको, ठीक है। इस जितना भी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, आपको ये करते समय इतना ध्यान रखना है कि जब तक ये पेन ना होने लगे, मतलब इसमें दर्द ना होने लगे, आपको करते रहना है। उसके बाद आपको जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है उसमें क्या करना है कि आपको जो ईंट लिए हैं उस पर खड़ा होना है। खड़ा होते समय क्या ध्यान रखना है कि आपका जो पंजा रहेगा वो ही सिर्फ ईंट पर रहेगा, ठीक है। किस तरीके से, वो आप मेरे पंजे को देखिएगा, आपको इस तरीके से खड़ा होंगे जब, और बार बार आपको नीचे को ले जाना है, इतना नीचे ले जाएं, फिर आप ऊपर ले जाएं, फिर आप नीचे ले जाएं, फिर आप ऊपर ले जाएं, इस तरीके से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लैट फुट में बेनिफिट मिलेगा। साथियों इन सब के अलावा आपके पास एक ऑप्शन है, यदि आपके पास अवेलेबल है, एक स्लीपर आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको फ्लैट फुट दूर करने के लिए स्लीपर दिया जाता है, आप डॉक्टर की दुकान से या आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों यही कुछ एक्सरसाइज है और जो आपको स्लीपर बताया गया, यही पहनने से आपकी जो ये फ्लैट फुट वाली समस्या है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जो साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।